अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी अर्से के बाद आया। आई थिंक मैंने 3 वीक्स या 4 वीक्स पहले एक व्लॉग अपलोड किया था और उसके बाद फिर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, जस्ट मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही थी और कुकिंग से रिलेटेड वो भी। तो अगर आपने कोई रेसिपीज़ देखनी होती हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत क्विकली जो है वो रेसिपीज़ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन जो एक प्रॉपर व्लॉग है वो मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाया है और उम्मीद है कि अब एक एक दो दो दिन छोड़ के जो है मैं बनाती रहूँगी। और इसके जो बाद नेक्स्ट व्लॉग होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो जो है वो एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग होगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, जो कि उम्मीद है कि एक दो दिन तक जो है वो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ जो है वो नाश्ता भी बना लिया, सिंपल सा फ्रेंच टोस्ट। इसकी रेसिपी कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और इतनी सिंपल है कि सबको पता ही होता है। और यहाँ पे एक ये जगह है, इसका नाम है मिस मैक्स, और यहाँ पे सभी जितने भी आइटम्स होते हैं वो 1 से 10 दरहम की रेंज में होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसके अंदर गए तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और सब जो हैं वो अंडर 10 दरहम है। जो रासुल खैमा में लोग रहते हैं उनको पता होगा इस जगह का। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बर्तन हैं इसमें, टॉयज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी चक्कर लगेगा तो मैं इसकी पूरी एक वीडियो बनाऊँगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको अच्छी भी जो है वो लगेगी। और इसके बाद साथ ही यहाँ का मौसम भी शेयर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि ये महीने ही ऐसे हैं जून जुलाई, और यहाँ पे तो वैसे इतनी गर्मी रहती है। तो यहाँ पे साथ साथ जो है वो ओज भी खेल रही है। और ये जो व्लॉग है ये बहुत सारे दिन के जो है ना वो मैंने इकट्ठे किए हैं क्लिप्स, तो कोई शाम के हैं कोई सुबह के हैं, तो वो मिक्स हुए हैं। और यहाँ पर इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बन कबाब की। जो स्ट्रीट स्टाइल होते हैं बन कबाब, आलू से बनेंगे, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और साथ ही यहाँ मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ, जो सिंपल होती है, धनिया पुदीने की, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पानी। और एक्चुअली ये जो है वो स्पाइसेस के लिए है, तो आप जग यूज़ करें जो कि ग्राइंडर होता है, लेकिन मैंने इसी को यूज़ कर लिया था। और इसमें जो है वो हम चटनी बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो लाजमी है, ग्रीन चटनी तो लाजमी होती है इन कबाब में, बन कबाब जो होता है उसमें। तो यहाँ पे ग्रीन चटनी बना ली है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें, यहाँ पे खीरे हैं बिल्कुल बारीक स्लाइस किए हुए, प्याज हैं, 2 से 3 मैंने अंडे फेंट लिए हैं, और यहाँ पे जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो है। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही जो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे उनको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें आपको शामी कबाब की ज़रूरत नहीं है, आप आलू के कबाब बनाएंगे इसमें। और साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा मैंने मेहरान का 7 स्पाइसेस डाला था, चाहे तो इसको ना डालें। उसके बाद इसमें हमने जो है वो हरी मिर्च काट के डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देना है, अगर लेमन जूस हो आपके पास तो वो इसमें ऐड कर दें, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स करके इस तरह से हमने कबाब बनाए हैं। मैं लंबे इसमें बन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने जो कबाब हैं वो थोड़े से लंबे साइज़ के बनाए हैं, गोल नहीं बनाए, स्क्वायर शेप के कबाब हैं। और यहाँ पे इनको हमने फ्राई कर लेना है अंडे में, जैसे हम कोट करते हैं आलू की जो टिक्कियाँ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंडे में कोट करके और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे इनका कलर जो है वो आ चुका है, इतना कलर हमने इनको बस देना है। और अब मैं इनको जो है वो तवे से उतार लेती हूँ और बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लंबे बन हैं, इनको काट लिया है और तवे पर रख के आप इनको थोड़ा सा जो है ना वो कर लें कि इनके ऊपर जो है वो कलर आ जाए। उसके बाद जो एक हमने जो बन का पीस है उसके ऊपर हमने केचप लगा देनी है और इस तरह से इसको जो है वो स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद ये जो आलू के कबाब हमने बनाए थे, दो दो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो एक को आप तोड़ के रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑमलेट जो बनाया है वो रखेंगे, खीरे के जो बारीक स्लाइसेस हैं वो रख देने हैं, प्याज रखने हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें बन को भी डाल सकते हैं। और अगर कब जो बन है ना उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़े से छोटे साइज़ के थे तो इससे क्या होता है कि जो फिलिंग होती है वो ज़रा बाहर निकल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी फिलिंग लगाई है। यहाँ पे जो ग्रीन चटनी है वो हम ऊपर से डाल देंगे, अगर आप चाहें तो आप इसमें दही ऐड ना भी करें। और यहाँ पे जो ऊपर वाला बन था उस पर मैंने ग्रीन चटनी लगा के, और बस ये हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद एक दफ़ा आपने दोबारा इनको तवे पे रखना है ताकि थोड़े से गर्म हो जाएँ और ऊपर से जो है ना वो कलर आ जाए। और यहाँ पर इनको हमने काट लिया, दो दो स्लाइसिस में कर लें, 3 में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये क्या होता है कि ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि आलू से बनते हैं, तो इसमें आपको बनाने में टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पे जी धनिया और पुदीना मैंने डाला है और इसको मैं क्या करती हूँ कि धो के छानी में 1 दिन के लिए आपने बाहर रख देना है,
जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसको डब्बों में डाल के रखें, कम से कम ये 2 से 3 हफ्ते बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना काला होगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड, और मैंने कहा कि आपको दिखा देते हैं, बहुत अच्छी पीटा ब्रेड बनती है घर में, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा। बहुत सॉफ्ट होती है और आपको इसको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि यहाँ पे तो पीटा ब्रेड मिलती नहीं है, तो घर में बनानी होती है, इसीलिए मैं आपकी इसके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो है वो हम बाहर गए थे तो उसके थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ये आज का एक शॉर्ट सा व्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आगे आने वाले व्लॉग्स भी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।